हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th के इंग्लिश के लेसन नंबर 12 को। इस लेसन का नाम है बच्चों नो मोर अबाउट। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टू एनी ट्राइबल विलेज? क्या आप कभी आदिवासियों के गाँव में गए हैं? तो बच्चों, मैं तो कभी नहीं गया आदिवासियों के गाँव में। यदि आप गए हों तो आप बता सकते हैं। सेकेंड है, टेल समथिंग अबाउट इट, इनके बारे में कुछ बताइए। तो इनके बारे में हमें इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम आज इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर में दिया है, इट वाज द मिडिल ऑफ द जून। यह है जून का मध्य था, यानी जो जून का महीना होता है उसका बीच चल रहा था, यानी 15-16 तारीख के करीब होगा। एंड इट हैड नॉट रेंड फॉर सेवरल वीक्स, और कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। जैसा कि हमें पता है बच्चों, जो जून का महीना होता है वो बारिश का महीना होता है, लेकिन अभी बहुत सारे हफ्तों से बारिश ही नहीं हुई थी। द ग्रास वॉज ब्राउन, द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद डस्ट। घास भूरी थी, पेड़ों की पत्तियां धूल से ढकी हुई थी, क्योंकि बच्चों बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए जो घास का कलर था वो भूरा हो गया था और पत्तियों पर मिट्टी जैसी चढ़ गई थी। क्योंकि जब पानी बरसता है तो घास उससे हरी हो जाती है, और जो पत्तियों पर, पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो मिट्टी जमा हो जाती है वो धुल जाती है। सम पीपल इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड टर्बन्स ऑन देयर हेड्स वर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। कुछ लोग अपनी पारंपरिक पोशाकों और सिर पर पगड़ी पहने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अ यंग बॉय सत्तू पैडल्ड ऑफ डाउन द मेन रोड ऑफ द विलेज, स्कैटरिंग द स्ट्रे हैंड्स एंड द विलेजर्स। एक युवा लड़का सत्तू आवारा मुर्गियों और ग्रामीणों को तितर बितर करते हुए गांव की मुख्य सड़क पर चला जा रहा था। एक बच्चा था जिसका नाम था सत्तू, जो कि कुछ मुर्गियों को और गांव वालों को इधर उधर करते हुए जा रहा था। जस्ट देन ए विजिटर केम देयर, तभी एक आगंतुक वहां आया। आगंतुक का मतलब होता है बच्चों ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया हो, उसे हम आगंतुक बोलते हैं। ठीक, विजिटर, हे विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो जो विजिटर था, बाहर से आने वाला व्यक्ति था, वो बोलता है, अरे क्या आप मेरी मदद करेंगे? सत्तू, व्हाई नॉट। तो जो सत्तू बच्चा था वो बोलता है, क्यों नहीं। व्हाट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वांट, लेकिन आप किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? विजिटर, कुड यू प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ दिस विलेज एज वेल एज योर नेम। तो विजिटर हैं वो पूछते हैं, क्या आप कृपया मुझे इस गाँव का नाम और अपना नाम बता सकते हैं? तो जो विजिटर थे वो उस गांव का नाम जहाँ पर वो गए थे और उस लड़के का नाम पूछते हैं। तो जो सत्तू है वो बोलता है, द नेम ऑफ माई ब्लेज इज कतली एंड माइन इज सत्तू। तो सत्तू बोलता है, मेरे गांव का नाम कट्टाली है और मेरा नाम सत्तू है। तो सत्तू अपना नाम और अपने गांव का नाम बताता है। विजिटर, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर सोसाइटी, इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स आर्ट एंड कल्चर, इट्स फूड एंड फेस्टिवल्स। तो जो विजिटर है वो बोलता है, मैं आपके समाज, उसकी जीवन शैली, उसकी कला आदि के बारे में और अधिक जानना चाहूँगा, और संस्कृति, उसका भोजन और त्यौहार, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो व्यक्ति जानना चाहता था। जैसे सोसाइटी मीन्स होता है समाज, लाइफ स्टाइल मीन्स होता है जीवन शैली, आर्ट मीन्स होता है कला, कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, फूड खान पान, और फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, मतलब जो वो लोग थे उनके बारे में वो जो विजिटर था वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे। सत्तू, आई बिलोंग टू द भील ट्राइब। तो सत्तू बोलता है, मैं भील जनजाति से हूँ। माई अंकल इज़ ए गुरुजी इन आवर ब्लेज स्कूल एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, आर्ट, फेस्टिवल एटसेट्रा। तो सत्तू बोलता है, मेरे चाचा हमारे गांव के स्कूल में गुरुजी हैं और वह आपको हमारी जीवन शैली, कला, त्यौहार आदि के बारे में अधिक बता सकते हैं। क्योंकि जो सत्तू था वो छोटा बच्चा होगा, उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो वो अपने चाचा जी के वहाँ उसे विजिटर को लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि वो जो चाचा जी थे वो टीचर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी होगी उनकी जनजाति के बारे में, तो वो अच्छे से बता सकते थे उन विजिटर को। विजिटर, दैट्स फाइन। तो जो विजिटर हैं बोलते हैं, वह ठीक है। आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम, लेट्स गो। तो मुझे उनसे मिलकर खुशी होगी, चलो चलें। सत्तू उन्हें अपने चाचा जी के पास लेकर जाता है। सत्तू टेक्स हिम टू हिज अंकल। सत्तू
सत्तू मीट माय अंकल श्री जाम सिंह। तो सत्तू बोलता है मेरे अंकल से मिले जिनका नाम श्री जाम सिंह है। तो ये श्री जाम सिंह सत्तू के चाचा जी का नाम है। ठीक, जाम सिंह हेलो सर। तो जाम सिंह है वो विजिटर से बोलते हैं हेलो सर, नमस्ते सर, नमस्ते करते हैं विजिटर, हेलो जाम सिंह। तो जो विजिटर हैं वो भी जाम सिंह से नमस्ते करते हैं। सत्तू काको ही वांट्स टू नो अबाउट आवर सोसाइटी आवर लाइफ स्टाइल फेस्टिवल्स आर्ट एंड कल्चर। तो सत्तू अपने चाचा जी को काको बोलता था, तो वो बोलते हैं वह हमारे समाज हमारी जीवन शैली त्यौहार कला और संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। यानी जो विजिटर हैं वो हमारे समाज हमारे जीवन शैली और त्यौहारों और संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। जाम सिंह वी बिलोंग्स टू व्हील ट्राइब्स। तो जो जाम सिंह हैं वो बताते हैं हम भील जनजाति से हैं। इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड भील इज़ ड्राइव फ्रॉम द ड्रेविडियन वर्ड फॉर बो तमिल एंड कन्नडा भील विच इज़ अवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन। तो जाम सिंह बोलते हैं ऐसा माना जाता है कि जो भील शब्द है वो ड्रेविडियन शब्द धनुष से जो तमिल और कन्नड़ भील से मिलकर बना है से लिया गया है जो हमारा विशिष्ट हथियार है। विजिटर डू वी फाइंड व्हील्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो जो विजिटर हैं वो पूछते हैं क्या हमें भारत के अन्य भागों में भी भील मिलते हैं। यानी वो ये जानना चाहते थे कि सिर्फ भील यही हैं कि भारत के अन्य भागों में भी भील जनजाति पाई जाती है, ये विजिटर जानना चाहते थे। जाम सिंह यस बिसाइड्स मध्य प्रदेश वी आर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो जाम सिंह हैं वो बोलते हैं हाँ हम मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात राजस्थान में भी पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में भी। बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन इज़ इन एमपी मेनली इन डिस्ट्रिक्ट झाबुआ धार खरगोन भरवानी रतलाम एटसेट्रा। तो जो जाम सिंह है बोलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा भील आबादी मध्य प्रदेश में है, मुख्य रूप से झाबुआ धार खरगोन बड़वानी रतलाम आदि जिलों में है। तो जो जाम सिंह हैं वो बोलते हैं कि हम और भी जगह पाए जाते हैं, हमारी जनजाति और भी जगह है लेकिन मुख्य रूप से ये एमपी में मिलती है यानी मध्य प्रदेश में ये जनजाति है। जाम सिंह एंड द विजिटर गो अराउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। तो जाम सिंह और आगंतुक यानी वो विजिटर थे वो गांव के चक्कर लगाते हैं और एक घर के सामने रुकते हैं। तो बच्चों वो घर के सामने रुकते हैं दोनों और वो घर पर ये जो आकृतियां बनी हुई हैं ये जो चित्र बने हुए हैं ये देखकर थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं। वो इनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार के चित्र हैं। विजिटर व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउसेस। तो जो विजिटर हैं वो बोलते हैं कितना सुंदर घर है, मुझे अपने घरों के बारे में कुछ और बताओ। तो जाम सिंह वी लव फॉरेस्ट एंड देयरफॉर सेटल नियर फॉरेस्ट। तो जाम सिंह बताते हैं हम जंगलों से प्यार करते हैं और इसलिए जंगलों के पास ही बसते हैं। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वुड एंड बैम्बू टू बिल्ड अवर हाउसेस। तो जाम सिंह बताते हैं हमें अपने घर बनाने के लिए कई प्रकार के वन उत्पाद लकड़ी और बांस मिलते हैं। तो बच्चों ये जो भील जनजाति है वो जंगलों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसलिए वो जंगलों के पास ही बसना पसंद करती है क्योंकि जंगलों से उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि उनकी जीवन शैली के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं जैसे लकड़ी औषधियाँ इत्यादि। ठीक, आवर हाउसेज आर मेनली मेड अप ऑफ वुड बैम्बू एंड विद टाइल्ड रूफ्स। तो जाम सिंह बताते हैं हमारे घर मुख्य रूप से लकड़ी बांस और टाइल वाली छतों से बने होते हैं। द बैम्बू वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड एंड काउडंग। बांस की दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी जाती हैं यानी जो बांस की दीवारें बनती हैं उन्हें मिट्टी और गाय का गोबर से हम लीप देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम पेंट या पुट्टी वगैरह करवाते हैं अपने घरों पर वो मिट्टी और गोबर से एक मिक्सचर तैयार करते हैं भील जनजाति के लोग, उससे अपनी दीवारों को पेंट कर देते हैं। ठीक, द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद पिथोरा पेंटिंग। और दीवारों को पिथोरा पेंटिंग से सजाया गया है। तो हमने बच्चों जो ऊपर घर के ऊपर जो पिक्चर देखी थी उन पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, पिथोरा पेंटिंग बोलते हैं। ठीक, सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग कार्व डिज़ाइंस ऑन द पिलर्स एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउसेस। कुछ लोग जो लकड़ी पर नक्काशी करने में अच्छे होते हैं अपने घरों के खंभों और दरवाजों पर डिज़ाइन बनाते हैं। तो कुछ देयर इज ऑलवेज कैटल शेड एडजॉइनिंग अ हाउस। तो घर के बगल में हमेशा एक पशुशाला होती है। तो पशुशाला हम बच्चों उसे बोलते हैं जहाँ पर पशु पाले जाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी इत्यादि को पाला जाता है उसे हम पशुशाला बोलते हैं। तो वो घर के बगल में एक पशुशाला बनाते हैं जिससे कि वो अपने पालतू पशुओं को वहाँ पर पाल सकें।
सम पीपल कंस्ट्रक्टेड पक्का एंड सेमी पक्का हाउसेज ऑल्सो, तो कुछ लोग कच्चे और सॉरी कुछ लोग पक्के और अर्ध पक्के मकान भी बनाते हैं। तो कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं जो पक्के मकान भी बनाते हैं और अर्ध पक्के भी। तो बच्चों जो लकड़ी के और घास फूस की जिनकी छत होती है तो वो कच्चे घर कहलाते हैं, और जो दीवारें ईंट पत्थर आदि की बनाई जाती हैं और उस पर छत भी पक्की डाली जाती है तो उन्हें पक्के मकान बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो गाँव वगैरह में जो झोंपड़ियाँ होती हैं तो वो कच्चे मकान होते हैं, ठीक। और शहरों में जो ईंटों सीमेंट कंक्रीट और लोहा इत्यादि के जो मकान बनते हैं वो पक्के मकान होते हैं। विजिटर, विल यू प्लीज टेल मी विच अदर ट्राइबल पीपल लिव इन मध्य प्रदेश। तो विजिटर पूछते हैं, क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी आदिवासी लोग रहते हैं। तो जाम सिंह, अदर ट्राइब्स विच लिव इन मध्य प्रदेश आर गोंड्स, कोरकूज, बैगाज, भारिया एटसेट्रा। तो जाम सिंह हैं वो बताते हैं कि जो दूसरी जनजातियाँ हैं वो जो मध्य प्रदेश में रहती हैं वो हैं गोंड्स, कोरकूज, बैगाज और भारियाज। ये और जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में रहती हैं। विजिटर, आई हियर्ड अबाउट गुदनी, बुदनी एंड छीना, व्हाट आर दे। तो जो विजिटर हैं वो पूछते हैं, मैंने गुदनी, बुदनी और छीना के बारे में सुना है, यह क्या है। जाम सिंह, दीज आर आर्ट फॉर्म्स ऑफ कोरकूज एंड गोंड्स। कोरकूज डेकोरेट देयर डोर्स बाय गुदनी एंड देयर वॉल्स बाय बुदनीज एंड छीना इज ए कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गोंड्स। तो जाम सिंह बताते हैं, ये कोरकू और गोंडों की कला है। कोरकू अपने दरवाजों को गुदनी से और अपनी दीवारों को बुदनी से सजाते हैं। छीना गोंडों की एक रंगीन दीवार पेंटिंग है। तो ये बच्चों जो बताया गया है ये गुदनी, बुदनी और क्या कहते हैं छीना, तो ये गोंड्स लोगों की ये कला है जिससे कि वो अपने घरों को सजाते हैं। जैसे विजिटर, नाउ डेज दीज आर्ट फ्रॉम आर गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। तो जो विजिटर थे वो बोलते हैं, इन कला विधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। तो आई थिंक पेमा फातिया एंड राम सिंह उर्वेती ऑल्सो बिलोंग टू योर सोसाइटी। तो वो बोलते हैं विजिटर, मुझे लगता है पेमा फातिया और राम सिंह उर्वेती भी आपके ही समाज के हैं। तो बच्चों ये बहुत फेमस हैं पेमा फातिया और राम सिंह उर्वेती जिन्हें, ठीक। तो इन्हें ये लगता था कि ये भी इन्हीं के समाज से हैं। तो जाम सिंह बताते हैं, पेमा फातिया इज़ भील आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वेती इज़ गोंड आर्टिस्ट। तो वो बताते हैं जो पेमा फातिया हैं वो तो भील जनजाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो राम सिंह उर्वेती हैं वो गोंड आर्टिस्ट हैं, ठीक। विजिटर, समवेयर इन ए मैगजीन आई कैम अक्रॉस ए वर्ड गतला, व्हाट इज़ इट। तो विजिटर बोलते हैं, कहीं किसी पत्रिका में मुझे गतला शब्द मिला, यह क्या है। तो ये गातला शब्द इन्होंने कहीं सुना होगा किसी मैगजीन वगैरह में, विजिटर थे उन्होंने तो वो उसके बारे में भी जानना चाहते थे कि ये गातला क्या चीज़ है। तो जो जाम सिंह हैं वो बोलते हैं, एक्चुअली इट इज़ ए मेमोरी पिलर विच इज़ स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। तो जाम सिंह बताते हैं, दरअसल यह एक स्मृति स्तंभ है जो पत्थर पर नक्काशीदार और तेल से रंगा हुआ है। तो इनके यहाँ पर कोई स्मृति पिलर होगा, ठीक, जिससे कि जो लोग मर जाते होंगे उनकी याद में बनाया जाता होगा, फिर उसे पत्थरों पर नक्काशी वगैरह और ऑयल पेंट करके सजाया जाता होगा, तो उस पिलर को ये गातला बोलते होंगे, ठीक। इट इज़ इरेक्टेड बाय द भील्स इन द मेमोरी ऑफ फैमिली मेंबर हु हैज़ मेड विद एन अननेचुरल डेथ। तो ये बोलते हैं, इसे भीलों द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु की याद में बनाया गया है। तो जो इनके लोग अप्राकृतिक मृत्यु से मर जाते हैं किसी ऐसी चीज़ से जिसके कि उनकी मौत समय से पहले हो जाती है, तो उसे अप्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं। तो उनकी याद में ये पिलर बनाया जाता है जिसको हम गतला के नाम से जानते हैं। विजिटर, टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेसेस। तो जो विजिटर थे वो बोलते हैं, मुझे अपनी पोशाकों के बारे में कुछ बताओ। जाम सिंह, ओ यस, द मैन वेयर धोती वंडी एंड कलर्ड टर्बन एंड द फीमेल्स वेयर कलरफुल घाघरा विथ पोलका कंचली एटसेट्रा। तो जाम सिंह बोलते हैं, ओ हाँ, पुरुष धोती बंडी और रंगीन पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं पोलका कांचली आदि के साथ रंगीन घाघरा पहनती हैं। तो ये बच्चों कुछ अलग से नाम हमें सुनाई दे रहे हैं, जैसे बंडी, ठीक है, और ये क्या कहते हैं पोलका कांचली, ये सब क्या हैं, इनके गहने वगैरह होंगे, ठीक, उनके नाम होंगे, जैसे कि हमें नीचे चित्र में दिया भी है, और देख लेते हैं इनके बारे में अगर समझाया गया हो। विजिटर, आई हैव हियर्ड दैट यू पीपल आर वेरी फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो जो विजिटर हैं वो बोलते हैं, मैंने सुना है कि आप लोग आभूषणों के बहुत शौकीन हैं, आभूषण यही गहने इनके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ये लोग।
जाम सिंह, यस वी आर वेरी फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो जाम सिंह बोलता है हाँ हमें गहनों का बहुत शौक है। बोथ मैन एंड वुमेन वियर ईयर रिंग्स एंड फिंगर रिंग्स, दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों कान की बालियां और अंगुलियों में अंगूठियां पहनते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं गहनों की शौकीन हों, यहाँ पुरुष भी गहनों के शौकीन होते हैं। तो दोनों ही कान की बालियां और हाथों में अंगूठियां पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अदर ऑर्नामेंट्स आर हंसली, हार, झुमका, नोजपिन एटसेट्रा। और अन्य आभूषण है हंसली, हार, झुमका, नोजपिन आदि। तो हंसली बच्चों ये गले में जो ये महिला पहने हुई है इसे हंसली बोलते हैं, ठीक। विजिटर, इट सीम्स दैट टैटूज आर क्विट कॉमन इन योर सोसाइटी। तो जो विजिटर थे वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि टैटू आपके समाज में काफ़ी आम है। तो टैटू बच्चों जो हाथों पे या फिर पैर पे जो गुदवाकर चित्र आदि बनवा लेते हैं या फिर कोई नाम लिखवा लेते हैं तो उन्हें हम टैटू बोलते हैं, ठीक। तो इनके समाज में बहुत से लोगों के हाथ और पैरों पे टैटू देखे होंगे जो विजिटर थे उन्होंने, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये बहुत आम चीज़ है क्योंकि हर कोई टैटू बनाए हुए है यहाँ पर। जाम सिंह, यस इट इज़ क्विट कस्टमरी अमॉन्गस्ट अस, वी कॉल इट गोंधाना। तो जाम सिंह बोलते हैं हाँ ये हमारे बीच काफ़ी प्रचलित है, हम इसे गोदाना कहते हैं। तो हम बच्चों जिसे टैटू के नाम से जानते हैं तो ये गोदाना कहलाता है, ठीक है। इनके यहाँ पर विजिटर, आई विल बी प्लीज टू नो मोर अबाउट योर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो जाम सिंह आगंतुक हैं, वो बोलते हैं मुझे आपके मेलों और त्यौहारों के बारे में और अधिक जानकारी जानने में खुशी होगी। जाम सिंह, वी सेलिब्रेट दिवाली नवाई, अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा आफ्टर ऑफरिंग देम टू गॉड। तो जो जाम सिंह है वो बताते हैं हम दिवासा, जैसे दिवाली के जिसे दिवाली बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इनके यहाँ पर दिवासा बोलते होंगे, हम दिवासा और नवई, नवई भी एक त्यौहार है इनके यहाँ का। तो ये नवई बच्चों मनाया जाता है एक त्यौहार जब लोग मकई और अन्य कृषि उत्पादों सब्जियों आदि को भगवान को अर्पित करने के बाद खाना शुरू करते हैं, तब ये नवई नामक त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। तो ये त्यौहार मनाए जाते हैं दिवासा और नवई, ठीक। विजिटर, आई हैव हियर्ड ए लॉट अबाउट द भगोरिया हार्ट, व्हाट्स दैट। तो जो विजिटर हैं वो बोलते हैं मैंने भगोरिया हार्ट के बारे में बहुत सुना है, वह क्या है। तो जाम सिंह बताते हैं द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया। तो जाम सिंह बताते हैं होली से एक सप्ताह पहले लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भगोरिया के रूप में मनाया जाता है। तो ये होली से एक सप्ताह पहले जो मार्केट लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, ये भगोरिया बोलते हैं। वी डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स, आइस कैंडल एटसेट्रा। तो ये बोलते हैं हम नृत्य करते हैं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और उन्हें मिठाइयाँ और नमकीन, आइस कैंडी आदि देते हैं। द चिल्ड्रन इन्जॉय ए राइड ऑन द स्विंग्स, और बच्चे झूलों पर सवारी का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक बाजार लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर ये भी लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग देख रहे हैं इन्हें और जो बच्चे हैं वो झूले का आनंद ले रहे हैं। और तो इस तरीके से ये नाच गाकर होली से पहले एक सेलिब्रेशन टाइप का करते हैं, एक मार्केट लगता है जिसे भगोरिया हट ये बोलते हैं। विजिटर, तीजन बाई इज़ ए फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पंडवानी म्यूज़िक। तो विजिटर हैं वो बोलते हैं तीजन बाई पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध आदिवासी गायिका हैं। विच डांस फॉर्म्स आर पॉपुलर अमॉन्ग भील्स, कौन सा नृत्य भीलों का लोकप्रिय नृत्य है। जाम सिंह, सोलो इज द फेमस डांस ऑफ भील्स। तो जाम सिंह बताते हैं सोलो भीलों का लोकप्रिय नृत्य है। अदर डांस फॉर्म्स विच आर, अन्य नृत्य रूप हैं जो कि हैं पॉपुलर अमॉन्ग द भील्स आर लहारी, पाली, धनवादी, गोदो, डंग सोलो, चालावादी। तो जो और भी प्रसिद्ध डांस हैं वो हैं लाहारी, पाली, धंधावादी, गोदो, डंग सोलो और चालावादी। तो ये सभी नृत्यों के नाम हैं बच्चों जो कि भीलों में प्रसिद्ध हैं। विजिटर, रानी दुर्गावती वॉज ए फेमस रूलर ऑफ द गोंड डायनेस्टी। तो जो विजिटर हैं बोलते हैं रानी दुर्गावती गोंड वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। द पैलेसेस एंड डिफरेंट फोल्कलोर्स रिलेटेड टू द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी थ्रू सम लाइट ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ब्रेवरी एंड मैच्योर लीडरशिप। तो ये बोलते हैं
राजवंश के शासकों से संबंधित महल और विभिन्न लोक कथाएं उनकी प्रशासनिक क्षमता, बहादुरी और परिपक्व नेतृत्व पर कुछ प्रकाश डालती हैं। तो जाम सिंह, यस द टेरिबल्स ऑफ एमपी आर नॉन नॉट ओनली फॉर देयर ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज एंड देयर कलरफुल लाइफ स्टाइल बट ऑल्सो फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद इन देयर सोसाइटीज़। तो जाम सिंह हैं बोलते हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी जो न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति विरासत और अपनी रंगीन जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने समाज के भीतर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जाने जाते हैं। नाउ आई हैव टू गो बिकॉज माई नेफ्यू हु हैड गॉन टू एग्जिबिट हिज पेंटिंग्स इन यूके इज़ अबाउट टू कम। तो जो जाम सिंह है वो बोलते हैं अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा भतीजा जो यूके में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने गया था आने वाला है। तो जाम सिंह अब जाने के लिए बोलते हैं जो विजिटर्स हैं उनसे क्योंकि उनका जो भतीजा है वो यूके से आने वाला है। इसलिए विजिटर, थैंक यू जाम सिंह। तो विजिटर जाम सिंह को धन्यवाद देते हैं क्योंकि जाम सिंह ने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ विजिटर को दी हैं इसलिए वो उनको धन्यवाद देते हैं। जाम सिंह, यू आर वेलकम सर। तो जाम सिंह बोलते हैं आपका स्वागत है सर। तो जो हमने देखा कि इस पार्ट से हमें बहुत सारी जानकारियाँ जो भील जनजाति है उसके बारे में जानने को मिली। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। बच्चों आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।